देखिए सर, यह है झांसी महानगर, मध्य स्थित है झांसी किला। महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान के कारण ये किला देश ही नहीं अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध है। बुंदेलों हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आज मैं झांसी के किले में पहुँचा हूँ, चलिए आज आपको झांसी के किले का टूर करवाते हैं। आइए, अगर यहाँ पे मोबाइल से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं है। अगर कैमरे से फोटो वीडियोग्राफी करते हैं तो उसके लिए अलग से 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। झांसी के इस किले के बारे में हमको पूरा गाइड करेंगे मिथुन जी। फर्स्ट पॉइंट जाता है कड़क बिजली तोप। जिस तोप को मोहम्मद गुलाम गोश खां चलाया करते थे, जो रानी के दरबार में मैन तोपची थे। उम्र में बहुत बूढ़े थे लेकिन बहुत ही अनुभवी थे। ये तोप भी यहाँ सामने पूर्वी दिशा की ओर रखी रहती थी। और एक सिटी के बाहर कैमासन देवी का मंदिर है, जिस मंदिर पर रानी नेत पूजा करने उस समय डेली जाती थी। तो रानी का एक देवर था धूराजी राव, जो अंग्रेजों से मिल गया था। उसने पहले ही कह रखा था, जब आप आना तो मंदिर के पीछे आप घेरा डाल लेना। रानी के पास आए रानी के वफादार तोपची कि रानी साहबा ये तोप चलाएं कि नहीं, तो रानी ने तोप चलाने से मना किया था। रानी ने सोचा अगर ये तोप चलेगी तो वो मंदिर टूट जाएगा। अंग्रेजों ने उधर से अटैक किया, जो आके गोला उस दीवाल में लगा था, वो दीवाल गिर गया और तीनों मारे गए। गुलाम गोश का खुदा बख्श और मोती बाई, 4 जून 1858 में उन तीनों का समाधि रानी ने अंदर बनवाया है। ये तोप उधर से उठा के आर्मी वालों ने इधर रखा है। ये तोप यहाँ पे कब रखी गई थी? ये रखी है कड़ियप्पा जो जनरल थे, जब आर्मी के हैंडओवर हुआ तो उन्होंने उठा के इधर शिफ्ट किया है। ये तोप के अंदर ही गोला है जी, ओरिजिनल गोला है। अच्छा, ये इसी को लगा के चलाते हैं। इसे चलाने वाले थे, रानी ने मना किया था, जो गोला फंसा रह गया था, जो आज भी लगा है। चलने पर जैसे बिजली आवाज करती है, उस तरीका की आवाज करती थी, इसीलिए इसका नाम बोलते हैं कड़क बिजली तोप। ये सर विलय लिपि है, जो अंधे लोग जो वोट है जो इस तरीका से वो इसे पढ़ सकते हैं। इस किले का निर्माण ओरछा के महाराज वीर सिंह जूदेव ने 1613 ईस्वी में बंगरा नामक पहाड़ी पर लगभग 15 एकड़ भूमि में बनवा कर तैयार करवाया था। जब ओरछा महाराज और महारानी अपने महल पर चढ़े तो ओरछा महाराज ने महारानी को उंगली द्वारा इशारा करते हुए इस किले की तरफ एक बुंदेलखंडी भाषा में कहते हुए बताया था कि काय महारानी, तो ये बो किलो दिखाई दे रहा है। तो महारानी सुन करके हंसने लगी और कहने लगी थी कि हो महाराज, मोए त्यो किलो झांसी दिखाई दे रहा हूँ। झाई मतलब छाया के जैसा। पहले ये झांसी नहीं, ये चेदी राष्ट्र हुआ करता था। ये चेदी राष्ट्र, इसके बाद ये जेजाक भुक्ति और बलवंत नगर, जो झांसी का पुराना नाम था वो बलवंत नगर। जिस बलवंत नगर पर ये बंगरा नामक पहाड़ी पर ये झांसी फोर्ट बनाया गया। आगे चल कर के ये झाई झाई कहते हुए इसका नाम झांसी से झांसी पड़ा। ये दोनों साइड है मशीन गन। इसको 1905 में अंग्रेज लाए थे, जो उनने चारों साइड किले में लगाई हुई थी। अंग्रेज इधर से गए, वो अपनी निकाल के ले गए, और ये दो पड़ी जो ख़राब इधर वो छोड़ गए। इसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर, और ये पैर द्वारा चलाई जाती थी। सामने एक येलो बिल्डिंग दिखी, वो रानी का महल है, एल टाइम में बनी। जो ए चर्च के बगल से येलो बिल्डिंग नहीं है, एल टाइम में बना, जो रानी का महल है। 1853 में गंगाधर राव का देहांत हो गया तो रानी ने अपने लिए वो रानी महल बनवाया था। नाइट में रानी उस महल में रहती थी, दिन में इधर वो शासन चलाती थी। इधर पे देखो सर, रानी के टाइम में लकड़ी का गेट था। अंग्रेजों ने कब्जा किया, उन गेटों को जला दिया, उनने अपनी सेफ्टी के लिए लोहों का डबल गेट लगाया। ये देखो, ये दोनों गेट बंद हो जाएंगे तो यूनियन जैक बन जाएगा, ब्रिटिश फ्लैग, इंग्लैंड का झंडा। ये रिफिट द्वारा डिजाइन जो आप देख रहे हैं, हाँ, तो यूनियन जैक बन जाएगा, ब्रिटिश फ्लैग। ये दोनों साइड है सलामी तोप। कोई गंगाधर राव से मिलने वाले या कोई बाहर से मेहमान आते थे, इन तोपों में बारूद भर के वो सलामी देते थे।
जिससे झांसी वासियों को मालूम पड़ता था कि गंगाधर राव का कोई मिलने वाला मेहमान आया है। जितने नीचे रूम बने हैं सोल्जर्स रूम है। देखो पहले झांसी के चारों साइड बाउंड्री वॉल थी, उसे परकोटा बोलते थे। 10 गेट थे, गेटों के नाम भी थे। जैसे कि अपन दतिया साइड गेट खुलता है तो उसे अपन दतिया गेट बोलते हैं। ऐसे कि वो ओरछा साइड है तो ओरछा गेट, उनाव गेट, लक्ष्मी गेट, सिंगर गेट, बड़ा गांव गेट। इधर गंगाधर राव के टाइम में अदालत थी, ये अदालत को अंग्रेजों ने तोड़ के वाटर टैंक बना दिया। कुआं से पानी इसमें आता है, फिर नलों में जाता है। ईरानी का पंचमहल था जो बंद है। पहले गंगाधर राव और रानी इसी में रहते थे। जब गंगाधर राव बीमारी के कारण ख़त्म हो गए तो रानी ने किले के बाहर वो रानी महल बनवाया था। ऊपर रानी का पहले शीश महल था, वो देख सकते हैं अभी? नहीं, बंद है वो। तो जो शीश महल था जिसे अंग्रेजों ने तोड़ के मीटिंग हॉल बना दिया था। उस समय गेट पे राजा की सेना रहती थी। जब कोई किले के अंदर या कोई बाहर जाता था तो उसे गेट पे मिलना पड़ता था कि किससे मिलने और किस काम से आप जा रहे हैं। तो रानी का जो देवर था दूराजी राव, उसकी ड्यूटी थी ओरछा गेट पर। अंग्रेजों ने उसे लालच दे दी कि हमें तो रानी से मतलब है, ये झांसी का राजपाट हम आपके नाम कर देंगे। दूराजी राव लालच में आ गया। उसने सोचा हम झांसी के राजा बन जाएंगे। इस लालच में उसने ओरछा गेट खोल दिया। अंग्रेज अंदर आ गए। रानी के पास निकलने के लिए रास्ता नहीं था। जब रानी ने ऊपर से छलांग लगाई थी, वो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ से रानी ने घोड़ा सहज छलांग लगाई थी। अच्छा, ये है वो? ये है वो जगह, देखो ये वो जगह है जहाँ से रानी ने घोड़ा सहज छलांग लगाई थी। इधर से नीचे लगाया जो रानी के हॉर्स का पैड टूट गया। घोड़ा भागते भागते गया आगे, लक्ष्मी पार्क है, उधर जाके घोड़ा शहीद हो गया। ये आगे पार्क बनी, उधर जाके घोड़ा शहीद हो गया। उधर से रानी पवन नाम का घोड़ा लेके गई कालपी, और कालपी से विटूर। विटूर में रानी के नाना रहते थे जिसने रानी को तलवार वगैरह घुड़सवारी सिखाया। रानी उधर से युद्ध करते आई तो रानी रास्ते में घायल हो गई। एक हाथ में चोट लगी पैर में और रानी की गोली भी लगी थी। उस समय किले के बाहर नाले पड़ते थे जिसमें पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे, क्योंकि ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। ऐसा ही नाला ग्वालियर में था, उसे सौर रेखा बोलते थे। रानी ने सोचा अपने घोड़े को मैं जंप लगा के उस नाले के इस पार निकाल दूं। तो रानी का घोड़ा उस नाले में गिर गया, क्योंकि नया घोड़ा था। रानी का कहना था कि हमारे जीते जी अंग्रेज मुझे देख भी ना पाए। रानी ने सोचा अब तो अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे। तो रानी एक गंगाराम साधु महासाधु रहते थे, उसी झुपड़िया में जाके रानी गिर गई। उनने उसी झुपड़िया को तोड़ के चिता बना के जला लिया। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में रानी का फूलबाग में समाधि है और ग्वालियर म्यूजियम में तलवार है। रानी 18 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई। देखो किले के बाहर ऐसे नाले होते थे, ये बना, हाँ इस टाइप के नाले होते थे जिसमें पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे। अभी तो सूखा पड़ा है ना? अभी सूख गया सर। और देखो जो सिंधिया परिवार जो था वो अंग्रेजों से मिल गया था। उस पर एक लाइन बोलते हैं कि अपनी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहाँ लक्ष्मी बाई खड़ी हैं मर्द बनी मर्दानों में। जन्नर बोकर आगे बड़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली युद्ध हुआ आसमानों में। जख्मी होकर उससे गजब हैरानी थी, और बुंदे ले हर बोलो केमू हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, और लक्ष्मी बाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग रहती थी, बर्छीदार तलवारें उसकी प्रिय सहेली थी।
ये देखो नीचे से मंदिर है, इस दिख जाएगा मंदिर, ये देख रहे सामने। अच्छा, ये इस मंदिर में भी रानी पूजा करने जाती थी। इसी रास्ते में एक पड़ता है फांसी घर। अच्छा, नीचे जाएंगे तो नहीं, अभी दिखाएंगे वो फांसी घर। तो रानी का शादी हो के आया, रानी ने इधर फांसी लगाना बंद करा दिया, क्योंकि उनने सोचा कि मैं डेली पूजा करने जाती हूँ और उसी रास्ते में हत्या होती है, तो अच्छा पूजा का मतलब क्या हुआ। इसलिए रानी ने फांसी लगाना बंद करा दिया। काल को नहीं, काल कोठरी में डालना शुरू किया था। जो देखो मैंने आपको जो मशीन गन दिखाई थी वो इसमें फिट होती थी, जो पैर से वो चलाते थे। इसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर। जी ये लिखा है देखो, MG No. 2, MG No. 1, ये थोड़ा कम दिख रहा है। और ये देखो ये रानी के टाइम का है, ये भी देखने के लिए था। आप इधर से देखेंगे इधर का दिखेगा, इधर से इधर का दिखेगा। कोई दीवाल के सहारे खड़ा है, दीवाल का नहीं दिखेगा, तो इसमें वो लोग गर्म पानी या तेल डाल देते थे, डालते थे, क्योंकि जब गिरेगा तो वो हटेगा। ये दोनों के नीचे बारूद रखने की जगह थी। ये फांसी घर है। उस समय जब रानी ने इधर फांसी, ये है जा, उस समय क्या था, ये दोनों गड्ढों में लकड़ी वाले पटिए थे। अच्छा, पटिए पर खड़ा किया, रस्सा बांधा, पटिया अंदर को खींच लिया, तो वो नीचे जाके रस्सी पे लटक जाता था। नीचे से पड़ता था वो मंदिर का रास्ता, इसलिए रानी ने फांसी लगाना बंद करा दिया। ये वो रूम है जहाँ पे जल्लाद खड़ा रहता था। ये उस टाइम का हवा महल है। जैसे उस समय लाइट या कूलर पंखे नहीं थे, तो राजा ने ऐसे चार हवा महल बनाए थे हवा के लिए। चारों साइड झांसी। इधर आओ, चढ़ के देखो। एक एक चीज और मैं आपको दिखाऊं। ये नीचे से जो रास्ता था पहले, ये जिस स्थान से पहले गुप्त रास्ता था। अच्छा, ये रास्ता जो ग्वालियर रोड को जाता था, मतलब आपातकालीन समय झांसी के बाहर रोड। रानी के देवर ने रास्ता भी अंग्रेजों को बता दिया था, इसलिए रानी ने वो ऊपर से छलांग लगाई थी। ये देखो काल कोठरी है। जब उनने फांसी लगाना बंद करा दिया, तो ये काल कोठरी में डालना शुरू किया। अभी बंद कर रखा है। हाँ, काल का मतलब अंधेरा, ना हवा ना पानी, कुछ नहीं। और ये गार्डन, गार्डन तो ये बाद में बने हुए हैं, ये पानी के लिए है, जैसे बरसात का पानी इकट्ठा होकर नीचे निकल सके। देखो इधर पे एक फांसी पे बोलते हैं, झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ललतपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार, उधार उधार। क्योंकि उस समय पहले झांसी में फांसी लगाई जाती थी। अच्छा, तो हो गई झांसी गले की फांसी। और जो दतिया जाते थे, जो ओरछा में अरदौल जी का जो मंदिर है, उनकी जो सिस्टर बहन थी, वो दतिया के राजा के साथ में उनका मैरिज हुआ था। इधर के जाने वालों को दतिया वाले हार फूलों से स्वागत करते थे, तो हो गया दतिया गले का हार। उनका स्वागत होता। ललितपुर में जैन लोग पैसा सौदा उधार देते थे कि आप ले जाइए, जब आपके पास हो जाए तो ब्याज से हमें दे देना। उधर पैसे वाले, हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। रानी ने जब फांसी लगाना बंद करा दिया, तो कहने लगे, झांसी की छूटी फांसी और दतिया के टूटे हार, और ललितपुर के वो लाला मर गए जो देता थे उधार उधार। क्या बात है, क्योंकि ना उधार मिलता, ना फांसी लगती, ना हार। ये देखो ये भतोप है। अच्छा, इसको मोतीबाई महिला चलाती थी। महिला चलाती, मोतीबाई जो लेडीज थी वो उसे चलाती थी। सामने झंडे लगे, वो गणेश टेम्पल है, वो नीचे से भी देखो। हाँ देखो, पहले रानी के टाइम का गेट वो लगा नीचे लकड़ी का। अच्छा अच्छा, ये हाँ ऐसे ही गेट उधर थे, अंग्रेजों ने कब्जा किया, उन गेटों को जला दिया। उनने अपनी सेफ्टी के लिए वो लोहो का डबल गेट लगाया था। सामने वो तीन तीन दरवाजे हैं, वो है बारह दरी।
कौन सा? सामने तीन तीन दरवाजे हैं, तो 12 दरवाजे हो गए, तीन इस साइड, तीन इस साइड, तीन इस साइड, तीन उस साइड, जहाँ पे उस समय नाच गाना होता था। ऊपर जो कमरे बने हैं इंडिया आर्मी ने बनाए, ये वाले अंग्रेज जाने के बाद ये किला आर्मी के हैंड ओवर हो गया। ये ईंट वाला जो काम आप देख रहे हैं अंग्रेजों का है सर, ये सामने वाली बिल्डिंग, ये और वो भी अंग्रेजों ने बनवाई। हाँ, ये पहले रसोई घर था नीचे, ये दोनों चिमनी थी धुआं वगैरह निकलने के लिए, अब तो बंद है वो। ये अंग्रेजों ने बालकनी निकाली, यहाँ से खड़े होकर देख सके झांसी का। हाँ हाँ, ये उनने बालकनी निकाली थी जहाँ से वो खड़े होके झांसी का नज़ारा देख सके। यहाँ से मस्त लग रहा है, शाम के टाइम पे और अच्छा लगता होगा। हाँ, और वैसे अभी भी सुबह का वक्त है, 8:15 बजे है, तो भीड़ भाड़ भी नहीं है। नहीं नहीं, भीड़ नहीं है, बहुत मजबूत उस टाइम पे। ये ऊपर लकड़ी लगी है इसमें? हाँ, लकड़ी का काम है, चूना गुड़ सुरकी दाल इन चीज़ों से बना है। इसी पहाड़ी का पत्थर काट के इसी में लगाया है। रानी के जो तोपची थे उनका ये समाधि है, गुलाम गोश का, खुदा बख्श और मोती बाई, जो मुस्लिम है वो दोनों का नीचे मजार हो गया, ये मोती बाई का मंदिर हो गया। हाँ, ये लोग 4 जून को, रानी 18 जून को, ये लोग 14 दिन पहले और रानी 14 दिन बाद। ये रानी के बहुत ही वफादार तोपची थे। अपन यहीं से गए थे पूरा, ये यहाँ से एंट्री ली थी हमने जी, और यहीं से एग्जिट हो गणेश मंदिर की ओर, क्योंकि रानी जब किले के अंदर प्रवेश करती थी गणेश जी को प्रणाम करके फिर अंदर जाती थी। अभी हम आपको गंगाधर राव की समाधि भी दिखाने वाले थे, लेकिन आज है 20 फरवरी और आज के यूपी में चुनाव हैं, और झांसी जो है यूपी में लगता है, इसलिए वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है। और आज मार्केट खुलेगा क्या? नहीं, ऑटो भी हमें आज यहाँ किले तक आने के लिए ऑटो भी नहीं मिले, और यहाँ तो आप देखो भीड़ भाड़ भी खैर नहीं है, और किले के खुलने का समय तो है सूर्योदय से सूर्यास्त। सर ये है बारादरी जहाँ पे उस समय नाच गाना होता था, ये चबूतरा जो है इस पे गजराबाई मुजरा करती थी, गंगाधर राव उसके अंदर पहले झूला था, झूले पे बैठ के वो देखते थे। जो गजराबाई थी उसका ये नेकअप रूम है। हाँ सर, देखिए जो मैंने बताया था पहले मेन रास्ता यही हुआ करता था, अंग्रेजों ने कब्जा किया ये आगे से मैं रास्ता बंद किया। इसमें डबल गेट हैं, ये लकड़ी का गेट है, अंग्रेजों ने आगे एक लोहों का गेट भी लगाया है कि उसे कोई तोड़ ना सके, और फिर ये लकड़ी का गेट है। लकड़ी का जो गेट देख रहे हैं ये रानी का टाइम का गेट है, ये लोहों का जो गेट आगे साइड लगा हुआ है वो अंग्रेज टाइम का है। ये उनने ये मैं रास्ता बंद किया, लॉक किया है, और पीछे का जहाँ से टिकट एंट्री है सर वो पीछे की दीवार हुआ करती थी, वो दीवार तोड़ के अंग्रेजों ने गेट बनाया। इस तरीका के गेट होते थे। ये जो लकड़ी का गेट है रानी के समय का गेट है सर, पहले मेन रास्ता यही था, जब रानी किले के अंदर प्रवेश करती थी गणेश जी को प्रणाम करके फिर अंदर की ओर जाती थी, ये रानी के टाइम का गेट है सर। दोस्तों झांसी का पूरा किला आप घूम चुके हैं, अगर किला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।